बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर शोभा दीक्षित प्राम अलहंत पब्लिक स्कूल। आज हम आपको आपके सिलेबस के अंतर्गत आने वाले हिंदी शब्द रचना में संधि के बारे में बता रहे हैं। संधि का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जैसे कहते हैं सुलह समझौता, उसी तरह मेल। किंतु व्याकरण के अनुसार पहले पद की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे पद की प्रथम ध्वनि जब अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है और एक नया शब्द बनाती है तो इसे ही संधि कहते हैं। जैसे ले लेते हैं पहला पद हिम और दूसरा पद है आलय। जब इन दोनों पदों को हम मिलाते हैं तो नया शब्द बनता है हिमालय। उसी प्रकार गज और आनन, ये दो पद हैं, पहला पद है गज और दूसरा पद है आनन। दोनों को मिलाते हैं तो बनता है गजानन। हिम में छोटा आ छिपा हुआ है, आलय के आ में बड़ा आ छिपा हुआ, जैसे कि आपको हमने इसमें बताया है कि पहले पद की अंतिम ध्वनि ये हो गया, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि बड़ा हो गया, दोनों मिलाकर बड़ा आ बना। जा में आपका छोटा आ छिपा हुआ है, आ में बड़ा, दोनों मिलाकर आ ही बनेगा तो बनता है गजानन, नया शब्द बना। गढ़ प्लस ईस, अड़ा में छोटा, ई में ई है, दोनों मिलाकर नया वर्ड बन रहा है ए। अब इसको मिलाते हैं तो बन जाता है गणेश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से में जो परिवर्तन हुआ वही संधि कहलाता है। आपको संधि विच्छेद के बारे में बताते हैं। संधि के नियम के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करना, यानी वर्णों को अलग अलग कर दो, वही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, इसमें दो पद छिपे हुए हैं, पहला पद होता है विद्या और दूसरा आलय। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, आलय घर, यानी शिक्षा का केंद्र अर्थात विद्यालय। इसी को दो अर्थ बना दिया, दोनों पद विद्या और आलय। परीक्षा, इसमें भी दो पद छिपे हुए हैं, पहला है परि और दूसरा है इच्छा, ये दोनों जब मिलाते हैं तो बन जाता है परीक्षा, एक नया शब्द बन जाता है, इसी से नया पद बन जाता है। अब आपको हम संधि के प्रकार बता रहे हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत पांच भेद हैं, पांच में से आज हम आपको आपके कोर्स में आने वाला यण संधि के बारे में बता रहे हैं। यण संधि में जब ई, ई, उ, उ और री के बाद कोई भिन्न, भिन्न माने दूसरा स्वर आता है तो ध्यान देना, ई ई का या बनेगा, उ उस का वा बनेगा और री का र हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ई ई का या याद रखना, उ उ से वा, री का र आता है, ये हो जाता है। उदाहरण देखिए, अति प्लस आचार, ता में छोटी छिपी हुई है, मतलब लगी हुई है, छिपी क्या है, लगी सामने, आचार में बड़ा है, क्या बताया था, ई का क्या बनेगा, या बनेगा और आ की मात्रा लग जाएगी, ता वर्ण आधा हो जाएगा, हो जाता है अत्याचार। ठीक उसी प्रकार परि प्लस आवरण, ये भी दो वर्ण हैं, अलग अलग दो शब्द हैं अलग अलग। परि में ई लगी हुई है, आवरण में आ, दोनों मिलाकर बड़ा आ बन रहा, जिससे बनता है पर्यावरण। प्रति प्लस एक, ई और ए दोनों से या बनेगा, किसका, ई से या बन नहीं है और ये मात्रा जो है ए की, ये ऊपर लग जाएगी या के ऊपर, तो हो जाता है प्रत्येक। सु प्लस आगत, ऊ का क्या बनना है, वा, ऊ से क्या बनेगा, वा, तो सु में छोटा ऊ लगा हुआ है,
आगत में बड़ा है, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है वा। तो इस तरह आपका शब्द बनता है नया शब्द स्वागत। मात्र प्लस आलय, त्रा में री लगा हुआ है, आ बड़ा है, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनना था रा, यहीं पर वो रा जाता है, रा में यही मात्रा लग जाती है, शब्द बनता है मात्रालय। थैंक यू।